हुए सेवा मुद्रा लेने में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ, आपको जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। करते हैं, इसका उदाहरण बनाते हैं, उदाहरण बना के इसको पनिश करेंगे और ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि कोई इसके रास्ते पे नहीं चलेगा। मोदी जी और स्मृति ईरानी मैडम, आपने उदाहरण तो बनाया है, आपने रोहित वेमुला को हमारे लिए उदाहरण तो बनाया है, लेकिन डरने का उदाहरण नहीं, डर को खत्म करके आपसे लड़ने का। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, एक बात आप सुन लीजिए, आपको लगता होगा आपने रोहित वेमुला को मार दिया है, लेकिन इस सरकार को जब गिराया जाएगा और जब पहला जीत का परचम लहराएगा तो सबसे आगे रोहित वेमुला होगा, सबसे आगे नजीब अहमद होगा, आप हमको दबा नहीं सकते। अब क्या फिर रिपोर्ट भेज रहे हैं तो कल कह रहे थे कि रैली तो होने ही नहीं जा रही है। अरे भैया, अगर रैली होने नहीं जा रही है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई छिड़ी है, और इस लड़ाई में जो खाली कुर्सियां है वो भीड़ के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। इंसानों से इसी पार्लियामेंट सीट के एक एक इंच को ना भर दिया, क्योंकि हमारा आपसे वादा है। असम ने 97 प्राइस से और हर टाइम ये बता दिया कि बीजेपी का साथ हम लोग नहीं जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ करना है, इसीलिए हम लोग सोचा कि अभी इंडिया में जो माहौल आ गया है, ये किसान लोग खुश नहीं है, युवा लोग खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है, दलित खुश नहीं है, मुस्लिम खुश नहीं है, क्रिश्चियन लोग खुश नहीं है, सिख लोग खुश नहीं है, सब लोग हमें देख खुश हो गया है। सुबह से मीडिया के साथी लगातार हमको ये सवाल भी कर रहे हैं कि आपको पुलिस परमिशन नहीं मिला, आपका क्या कहना है? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश की 125 करोड़ जनता ये भी देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा करो, इस देश में सच्चे लोकतंत्र और संविधान को लागू करो और 2 करोड़ युवा को रोजगार दो। इतनी बात रखने का यदि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी अधिकार नहीं, तो यही वो गुजरात मॉडल है।